तो हम बात करेंगे रीट एल सेकंड की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखो नंबर एक बात, ये कट ऑफ जो एक अनुमानित है, अनुमानित समझते हो, एक आइडिया है, अनुमानित कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, पहली बात हो ये। दूसरी बात ये, मैं एक अनुमान बताऊंगा, यदि उसमें किसी विद्यार्थी के नंबर कम बनते हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर एक बात, क्योंकि आंसर की ठीक है, हमने भी बताया, हमने भी जारी किया, सब कुछ बताया आपको, तो दो चार प्रश्न डाउट में रहते हैं वो हमारे भी थे, सब के रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अलग अलग विषय विशेषज्ञों के द्वारा, अलग अलग गुरुजनों के द्वारा ये कट ऑफ तैयार की गई है, और मैं पूरा ये एक संग्रहित करके मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं। अब मैं पूरा लंबा समय आपका खराब नहीं करने वाला हूं, और मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट फटाफट से, क्योंकि विद्यार्थी डायरेक्ट अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहेगा, तो मैं आपको बता देता हूं क्या आपका पॉइंट रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भीड़ जो होती है वो एसएसटी की होती है, वो आपको ही पता है। तो एल सेकंड के अंदर जनरल ओबीसी, देखो जनरल की सबसे पहले बात करें, जनरल की जो कट ऑफ यहां पर रहेगी मित्रों, जनरल की कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी 117 से 122 के बीच वाले, वो बात है मां का प्यार देंगे यहां पर। ओबीसी की बात करें तो यहां पर 116 से 121 के बीच में ओबीसी की रहेगी कट ऑफ, इसके बीच वाले आराम से, अनुमान है हमारे विशेषज्ञ गुरुजनों का। एससी की बात करें तो यहां पर 110 से 115 के बीच में रहेगा एल सेकंड एसएसटी में। एसटी के अंदर बात करें तो 107 से 112 के बीच रहेगा, और एमबीसी की हम बात करें तो 115 से 120 का यहां कट ऑफ रहने वाला है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 110 से 116 के बीच वाला काम चला देगा, बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रीट लेवल सेकंड हिंदी की बात करते हैं गुरुजनों का, देखो आपके सामने क्या अनुमान है जरा देखिएगा। जनरल के अंदर बात करें 116 से 121 का आएगा, जनरल का जो आएगा 116 से लेकर 121 वाला बीच वाला जो काम चला देगा। ओबीसी की हम बात करें 115 से 120 में जिसके भी नंबर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, वो आराम से एलिजिबल है, मान लीजिए आराम से वो क्लियर कर देगा। एससी के अंदर 109 से 114, पेपर इजी था, आपको पता है जीके वगैरह सब आसान थी, पेपर बहुत इजी था, पेपर इजी तो कट ऑफ जाहिर सी बात अभी आपकी ऊंची जाएगी। एसटी की हम बात करें 106 से 111, और एमबीसी की बात करें 114 से 119 रहेगी। ईडब्ल्यूएस वालों यहां पर आप देख लो 109 से 115 रहेगी। बात किसकी कर रहा हूं, हिंदी की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए रीट लेवल सेकंड साइंस एंड मैथ्स के बारे में बात करते हैं, यहां क्या अनुमान है। देखिए सबसे पहले जनरल की बात करें 116 से 122 के बीच में है, ओबीसी की हम बात करें 115 से 120 के बीच में है, एससी की बात करें 109 से 115 के बीच है, और एसटी की 106 से 111 के बीच है, और एमबीसी की 114 से 119 के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ईडब्ल्यूएस वालों का बात करें तो 108 से 112 कट ऑफ इनकी रहेगी। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की, बात कर लेते हैं जनरल की 115 से 120 के बीच में, ओबीसी की 114 से 119 के बीच में, एससी की 110 से 115 के बीच में, एसटी की 106 से 111 के बीच में, और एमबीसी 112 से 117 वाले, और ईडब्ल्यूएस 107 से 112। अब कोई विद्यार्थी किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एल फर्स्ट की कट ऑफ आपके सामने, जनरल की जो निकलेगी 118 से 124 के बीच में, बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये अनुमानित है। ओबीसी के अंदर मित्रों 117 से 123 के बीच में, और एससी में 115 से 120 के लगभग रहेगी, और एसटी में 110 से 115, और एमबीसी में 116 से 122 के बीच में। ईडब्ल्यूएस वाले बात करें तो 109 से 114 आपका यहां पर आएगा। तो ये थी आपके सामने अनुमानित कट ऑफ, 1% आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अनुमानित है। और दूसरी बात, यदि आपका बहुत कम लेवल आ रहा है, 70-80 आ रहा है, चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि हम कुछ भी करें हमारा होने वाला भी नहीं है, तो आप ये बात दिमाग में रखें कि आगामी बहुत वैकेंसीज है, क्यों टेंशन ले रहे हो, कैरी ऑन, टारगेट लग जाओ, उठा लो फिर से पोथे और क्या दोबारा ले जाओ, क्योंकि कमी रह गई तो सुधारना पड़ेगा, कुछ किए बिना तो जय जयकार होती नहीं, आपको ही पता है। और एल1 की भी मैं जल्दी लेके आ रहा हूं। जय हिंद।